हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरे तो लिन डॉक्टर के पास जाते हैं चोट के ड्रेसिंग के लिए। पूरित को लिन पर हंसी आ रही होती है। पूरित लिन को बोलता है, तुम तो सच में गोरी हो, मुझे यकीन हो गया। लिन पूरित को धक्का मारती है। पूरित का सर दीवार पर लगता है और खून निकलने लग जाता है। लिन देखकर शौक हो जाती है, ये मैंने क्या कर दिया। इसके बाद ग्रैंडपा दोनों की चोट देखकर हंसते हैं और उन्हें बोलते हैं, तुम दोनों सच में ही सिबलिंग हो, यकीन हो गया मुझे। पूरित और लिन को एक दूसरे को देखकर गुस्सा आ रहा होता है। माँ ग्रैंडफादर के घर उनके लिए हेल्दी सूप लेकर आया होता है। मेरी मदर ने आपके लिए भिजवाया है। ग्रैंडफा लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, पर माँ सूप देने के बजाय उसकी आंखें लिन को ढूंढ रही होती हैं। ग्रैंडपा माँ को बोलते हैं, ऐसा लग रहा है तुम यहाँ ये देने नहीं कुछ और ढूंढने आए हो। माँ बताता है, मैं पूरित को ढूंढ रहा हूँ। ग्रैंडपा बताते हैं, वो तो काम कर रहा है, पर मुझे लगता है तुम पूरित को नहीं उसकी सिस्टर लिन को ढूंढ रहे हो। माँ बोलता है, लिन बहुत ही क्यूट है। ग्रैंडपा माँ से पूछ लेते हैं, क्या तुम लिन को पसंद करते हो? तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और हमें उसे उसके फादर के पास भी नहीं भेजना पड़ेगा, वो यहीं रुक जाएगी हमेशा के लिए। माँ के सुनकर खुश हो जाता है। इसके बाद माँ पूरित से आकर पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कजन लिन को डेट पर लेकर जा सकता हूँ? पूरित माँ से पूछता है, क्या तुम सीरियस हो? माँ बताता है हाँ। पूरित बोलता है, ले जाओ, पर उससे बचकर रहना खतरनाक है। माँ पूरित को बताता है, अंसो ने एक जासूस हायर किया है लिन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो ध्यान रखना। इसके बाद मार्क लिन को वायनाड दिखाने लेकर जाता है। मार्क लिन से पूछता है, कैसा लग रहा है अमीर ग्रैंडपा की ग्रैंड डॉटर बनकर? लिन बताती है, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, समझ नहीं आ रहा इन सब से कैसे बाहर निकलूं, कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। मार्क लिन को बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो मैं तुम्हें इन सब से बाहर निकाल सकता हूँ। लिन बोलती है, दिन में सपने देखना बंद करो। इसके बाद ग्रैंडपा पूरित और लिन को लिन के अडॉप्टेड फादर को वीडियो कॉल करने को कहते हैं। मैं उन्हें देखना और उनसे बात करना चाहता हूँ। लिन सोच में पड़ जाती है, क्या करूँ, तुरंत अपना फोन नीचे गिराकर तोड़ देती है। लिन ग्रैंडपा को बोलती है, मेरा फोन टूट गया है, अब मैं कैसे कॉल करूँ? ग्रैंडपा लिन को बोलते हैं, तुम्हें अपने फादर का नंबर तो याद ही होगा, पूरित के फोन से कॉल कर लो। तभी पूरित बोलता है, लिन के फादर काम के पर्पज से अमेरिका में गए हैं। थाईलैंड और अमेरिका के समय में 15 घंटों का फर्क है, तो इस समय वो सो रहे होंगे, डिस्टर्ब करना सही नहीं है। पूरित का यह झूठ जल जाता है और दोनों बड़ी मुश्किलों से बच जाते हैं। पूरित लिन से पूछता, अब हम क्या करेंगे? लिन पूरित को बोलती है, क्या तुम एक बार सोच भी नहीं सकते? हमेशा सोचने का काम मुझे दे देते हो, सब कुछ तुम्हारा किया हुआ है, वो तो तुम लकी हो जो मेरे पास दिमाग है। पूरित लिन को बोलता है, सही बोल रही हो, झूठ बोलने का दिमाग तुम्हारे पास ही है, इसलिए तुम ही करो। लिन पूरित को बोलती है, तुम्हें मुझसे ये सब काम कराने के लिए और पैसे देने होंगे। पूरित बोलता है, अगर तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगी तो मैं तुम्हें डबल पे करूंगा। लिन बोलती है, ये हुई ना बात, अब मेरा दिमाग काम करना स्टार्ट करेगा। लिन पूरित को सलूशन देती है, फेक फादर का इंतजाम कर लेते हैं जो मेरे अडॉप्टेड फादर होने का नाटक कर सके। इसके बाद लिन मार्क के साथ एक माफिया को पैसे वापस करने जाती है जिससे उसके फादर ने उधार लिए थे, पर वो जगह और वो लोग इतने खतरनाक होते हैं। माँ के देखकर हैरान हो जाता है, लिन को अपने फादर की वजह से ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है। माफिया आदमी लिन को बोलता है, ये पैसे आधे हैं, मुझे अभी के अभी पूरे चाहिए, तभी तुम यहाँ से जा पाओगी। माँ अपनी महंगी घड़ी उतार कर उसे दे देता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लिन माँ को बोलती है, मैं उसके बाकी पैसे चुका कर तुम्हारी घड़ी तुम्हें लौटा दूंगी। माँ बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिन माँ को बताती है, बड़ी मुश्किलों से धीरे धीरे कर्ज उतार रही हूँ, अब तुमसे कर्ज लेकर इसे और नहीं बढ़ाना चाहती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, अंसो ग्रैंड फादर के सामने पूरित से पूछती है, लिन के पास वो लोकेट है जो ग्रैंड फादर ने पिम को दिया था, पर तुम्हारा लोकेट कहाँ है? पूरित अपने गले में लोकेट की चैन दिखाता है। अंसो को चैन देख कर बिलीव हो जाता है कि लोकेट दोनों के पास है। ग्रैंड फादर लिन को उसके फादर को कॉल करने को कहते हैं। लिन उस आदमी को कॉल करती है जिसको लिन ने सबसे पहले पैसे उधार चुकाए थे उसके शॉप में जाकर। वो आदमी लिन का फादर बनकर ग्रैंडपा और अंसो से बात करता है। अंसो उस आदमी से सवाल पूछती रहती है। वो
तो आदमी अनसो के सवालों से परेशान हो जाता है, समझ नहीं आता कैसे जवाब दूं, तो इमोशनल ड्रामा स्टार्ट कर देता है। मैं और मेरी बेटी लिन की लाइफ ऑलरेडी इतनी मुश्किलों में है, अगर आप लोगों को उस पर डाउट है तो उसे वापस मेरे पास भेज दो, मैं ऐसे घर में उसे नहीं रहने दूंगा। ग्रैंडपा फादर से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लिन को मेरे पास रहने दो जब तक मेरी सर्जरी नहीं हो जाती। वह आदमी बोलता है, मैंने जो बोलना था बोल दिया, मुझे अब और कुछ नहीं कहना, और फोन काट देता है। लिन ग्रैंडफादर का अपसेट फेस देखकर बोलती है, चिंता मत करो मैं उनसे बात करूंगी। लिन अपने रूम में जाती है और खुश होकर दोबारे उस आदमी को कॉल करती है, उनकी एक्टिंग की तारीफ करती है, आपको तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। वह आदमी बोलता है, मुझे अवार्ड नहीं पैसे चाहिए। लिन बोलती है, मैं आपको पैसे दे दूंगी। इसके बाद ग्रैंडफादर पूरे को नेक्स्ट डे लिन को अपने साथ पेरेंट्स के ग्रेव पर ले जाने को कहते हैं। पूरी तो और लिन दोनों वहाँ जाते हैं और ग्रैंडपा से झूठ बोलने के लिए माफी मांगते हैं। इस बाद दोनों वहाँ से वापस आ रहे होते हैं, पूरित रास्ता भटक जाता है, लिन पूरित को सुना रही होती है, तभी कार भी एक गड्ढे में जाकर अटक जाती है। लिन पूरित को कार गड्ढे से निकालने को कहती है, पूरित बोलता है नहीं निकल रही है। लिन पूरित को बोलती है, बिना ट्राई किए कैसे बोल सकते हो नहीं हो रही है। पूरित बोलता है, तुम खुद ही ट्राई कर लो। लिन को गुस्सा आता है और पूरित को बोलती है, हमेशा हर काम मुझे ही करने को कहते हो, तुम खुद कुछ क्यों नहीं करते हो। पूरित लिन को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन लिन चुप होने का नाम नहीं लेती। पूरित लिन को धमकी देता है, अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हें इस गड्ढे में सुला दूंगा। लिन जोर जोर से हंसने लग जाती है, मैं इस गड्ढे में फिट नहीं आऊंगी तो कैसे मुझे यहाँ सुलाओगे। पूरित लिन से इरिटेट हो जाता है, मारने का मन करता है पर नहीं कर पाता। लिन पूरित को बोलती है, ओ माय गॉड तुम्हें गुस्सा आ रहा है, ये बताओ रात हो रही है अब हम कहाँ जाएंगे। पूरित निदा को मैसेज करने के लिए फोन निकालता है पर फोन की बैटरी डेड हो जाती है। पूरित लिन से उसका फोन मांगता है, लिन बताती है, मेरा फोन तो पहले ही टूट गया था, भूल गए हो क्या। दोनों को समझ नहीं आता क्या करे। लिन पूरित को बोलती है, आज रात कार में ही सो जाते हैं। पूरित कुछ जवाब नहीं देता। लिन पूरित से पूछती है, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। पूरित बोलता है, मैं क्यों डरूंगा तुमसे, डरना तो तुम्हें चाहिए। पर डरना मत, मैं आज रात तुम्हारे साथ हूँ। लिन बोलती है, मेरे पास मत आओ। पूरित बोलता है, क्यों, कितना सुंदर नजारा है, हसीन मौसम है, सब कुछ कितना रोमांटिक है, ये भी लिन की इमेजिनेशन होती है। पूरित लिन को जगाता है, फिर से बकवास सोच रही हो। लिन पूरित से पूछती है, तुम्हें हमेशा पता कैसे चल जाता है। के बाद रात हो जाती है, दोनों को एक ट्रक दिखता है और उसमें चले जाते हैं। लिन पूरित को अपने अंकल आंट के घर चलने को बोलती है, उनका घर पास में ही है और मेरी आंट खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। पूरित लिन से पूछता है, क्या तुम खाने के अलावा और कुछ नहीं सोच सकती। लिन को गुस्सा आता है। पूरित लिन को बताता है, सबसे पहले मैं वहाँ जाकर अपना फोन चार्ज करूंगा ताकि निदा से कॉन्टेक्ट कर सकूं और वो हमें लेने के लिए किसी को भेज सके। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। पूरित लिन को और खुद को पॉलिथीन से कवर कर लेता है बारिश में गीले होने से बचने के लिए, और इस रोमांटिक बारिश में दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। के बाद दोनों अंकल आंट के घर पहुंचते हैं। पूरित वहां पहुंचते ही अंकल से चार्जर मांगता है अपना फोन दिखाकर। अंकल पूरित को बताते हैं, मेरे पास पुराने जमाने का फोन है, इसका चार्जर मेरे पास नहीं मिलेगा। अंकल और अंट दोनों को रात भर वहीं रुकने को कहते हैं और कुछ कपड़े दोनों को दे देते हैं। अंट दोनों को बताती है, ये कपड़े तुम्हें थोड़े ढीले रहेंगे तो इसे टाइट से बांध लेना। लिन अंट को बोलती है, मुझे भूख लग रही है, क्या कुछ खाने को मिलेगा। पूरित लिन को देखने लग जाता है, ये सुधरेगी नहीं। अंट दोनों को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है, दोनों ड्रिंक कर लेते हैं। लिन पर चढ़ जाती है और स्टेज पर जाकर डांस करने लग जाती है। पूरित भी लिन को स्टेज पर ज्वाइन करता है और दोनों मिलकर एंजॉय करते हैं। के बाद पूरित और लिन घर आ रहे होते हैं। लिन का पैर स्लिप हो जाता है और गलती से पूरित की पैंट खींच लेती है और पैंट निकल जाती है। लिन पूरित पर हंसती है और बोलती है, तुमने सही से नहीं बांधी, लाओ मैं बांध देती हूँ। पूरित लिन से बचकर भाग रहा होता है, मैं खुद बांध लूंगा। दूसरी तरफ मार्क लिन से मिलने ग्रैंडपा के घर आता है। आंसू बताती है, पूरित और लिन मॉर्निंग में ही लिन के पेरेंट्स के ग्रेव पर चले गए थे। मार्क बोलता है, पर अभी तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। आंसू बोलती है, हो सकता है लिन उसके रियल सिस्टर ना हो और दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो। माँ की बातें सुनकर परेशान हो जाता है। पैनी भी पूरित को कॉल कर रही होती है पर नहीं लगता। पैनी का असिस्टेंट उसे बोलता है, पूरित और लिन साथ में गए हैं, पता नहीं दोनों के बीच क्या चल रहा होगा।
पैनी बोलती है, पर मुझे नहीं लगता लिन और पुरित के बीच कुछ ऐसा है। पैनी मार्क को कॉल कर पूछती है, क्या तुम्हारी बात पुरित से हुई? मार्क बताता है, फोन ही नहीं लग रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग पुरित गांव वालों की हेल्प से कार गड्ढे से निकाल लेता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंग है, बाय बाय।